तो ऐसा नहीं कि भाई साहब जहाँ पे मान लीजिए चढ़ाई आती तो गाड़ी वाड़ी दबती हो, गलियों में भाई एकदम साए साए दौड़ रही है, जैसे हल्का सा एक्सीलेटर पे पैर डालते हैं ना, आपको ऐसा कुछ फील। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सुनील आडो कार में। सो आज आप सभी के सामने खड़ी हमारी एमजी कॉमेट, जो भाई साहब इलेक्ट्रिक व्हीकल, पैर रेंज इसकी रहने वाली 7.98 लाख से इसका एक्सरूम बेस मॉडल स्टार्ट हो जाता है। एंड ये वाला जो आपका देख रहे हैं टॉप, ये आपको पड़ेगी 9.98 लाख, एक्सरूम में जाएगा 10.5 लाख के आसपास ऑन रोड लखनऊ। इस गाड़ी की भाई साहब खासियत रहेगी, इतनी छोटी साइज की है ना कि आप इसको कहीं पे भी इजीली लेके जा सकते हैं। पतली गली हो, ट्रैफिक हो, जिम जाना हो, तो सिटी ड्राइव के पर्पस से आपको काफी बड़ा ऑप्शन मिलने वाला है एमजी कॉमेट का। तो आज हम लोग क्या ऐसी कुछ रहेगी चलाने में, एंड पतली पतली गली में भी ले चलेंगे इस कार को, तो वहां पे देखेंगे कैसा कुछ इसका परफॉर्मेंस रहेगा, आई मीन कैसी कुछ निकलेगी, निकालने में कोई दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी मोड़ने मारने में। तो आज पूरा आपको दिखाएंगे इसका असली टेस्ट, पतली पतली गलियों से लेके हर तरह की रोडों पे आज चलाने वाले एमजी कॉमेट को। तो एक तरह से आप समझ सकते हैं भाई साहब, होता क्या ड्राइव रिव्यू तो आपको मिल जाता है, लेकिन इतनी सकरी सकरी गलियों में लोग बहुत कम चला के आपको दिखाते हैं। तो ये जो आज हमने यहाँ पे भाई एमजी कॉमेट लिया, तो इसको चलाएंगे, चला के देखते हैं कहाँ कहाँ से निकल जाएगी, कैसी कैपेबल रहने वाली है ये हमारी कार। साइड प्रोफाइल देख सकते हैं यहाँ पे, इस तरह बड़े से आपको देखेंगे स्मार्ट की यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये रहेगी यहाँ पे बढ़िया सी पूरी बैक प्रोफाइल कनेक्टेड, यहाँ पे देखेंगे पूरे इसके टेल लैंप्स। एक बार ओवरव्यू आपको दिखा देते हैं वॉल अराउंड, फिर चलाते इस कार को। कनेक्टेड टेल लैंप, एमजी का लोगो, कॉमेट की बैजिंग यहाँ पे देखेंगे, तो इंटरनेट इनसाइड की बैजिंग, 55+ आपको इसमें कार कनेक्टिंग फीचर्स यहाँ पे देखने को मिलने वाले एमजी कॉमेट के साथ। तो ये होगी इसकी बैक, बाकी कैमरा वगैरह यहाँ पे सेंटर में रहता है, एंड 4 सीटर का इसमें आपको मिलता है सिटिंग अरेंजमेंट। यहाँ पे भी देखेंगे तो ई इलेक्ट्रिक आपको बैजिंग दी जा रही है। ग्राफिक्स भाई साहब काफी सही सी लग रही ना, ये तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करा सकते हैं जो भी आपको पसंद हो, काफी सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं इस कार में। तो ब्लैक कलर खड़ा है, ग्रीन लीजिए, व्हाइट लीजिए, और भी काफी सारे आपको कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं इस कार में, डुअल टोन रूफ के साथ ही साथ। आपने यहाँ पे देख लिया फ्रंट, आई थिंक मैंने आपको नहीं दिखाया, चलाएंगे तो भाई एक थोड़ा आपको ओवरव्यू यहाँ पे पता होना चाहिए ना क्या कुछ आपको मिल रहा है। ये देखिए कनेक्टेड यहाँ पे इसका DRLs, MG के यहाँ पे लोगो रहता है इल्यूमिनेटेड वाला, एंड एक गाड़ी को आप यहीं से चार्ज करेंगे। ये देख रहे हैं ना, नॉर्मल चार्जर मिलता है जिसे आप 6 से 7 घंटे में अपनी गाड़ी को फुल कर सकते हैं। एक बार फुल करेंगे, एक बार गाड़ी को फुल करेंगे 230 किलोमीटर की कंपनी आपको रेंज क्लेम करती है इस गाड़ी में, जिसको आप एक्चुअल में चलाएंगे तो 150 तो आराम से भाई साहब चली जाएगी। तो यहाँ पे कनेक्टेड DRLs वगैरह हो गए, नीचे भी देखेंगे LED हेडलैम्प का पूरा सेटअप, यहाँ पे इंडिकेटर्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे आते हैं तो वही इसका डुअल वाइपर वगैरह काफी बड़ी साइज की देखेंगे इसकी विंडशील्ड। तो ये होगी इसकी पूरी फ्रंट प्रोफाइल नीचे, और ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह आपको इस कार में मिलता है 165 मिलीमीटर के समथिंग। चलिए अभी चलते गाड़ी के अंदर, फिर इसको चला के देखते हैं, एंड चलाने के बाद देखते हैं कैसी रहती हमारी कार। रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह दिया है क्योंकि भाई साहब स्मार्ट की मिलती ना तो अपने मन से गाड़ी अनलॉक हो जाएगी जब पास जाएंगे। डोर वगैरह देखिए भाई साहब कितनी बड़ी आपको मिल रही इस कार की, अरे रुक जा भाई, ये देखिए मतलब दो ही डोर है ना, तो इतनी बड़ी साइज की आपको दी गई ताकि आराम से बैठ सके। ये डुअल टोन में डोर, इस तरह पे दो लोग आगे बैठेंगे। एमजी वाली मैडम भाई साहब चिल्ला रही हैं, चलो इनकी भी सुन लीजिए। चलिए वॉइस कमांड आपको बढ़िया इस तरह मिलती है। यहाँ पे दो लोग यहाँ पे बैठेंगे, दो लोग पीछे बैठेंगे, तो आराम से वाली सीट फोल्ड करके पीछे जा सकते हैं, यहाँ से भी इसको फोल्ड करेंगे तब भी आप अंदर जा सकते हैं। आइए बैठते हैं, चला के देखते हैं। तो पहले आपको दिखा दें यहाँ पे पैडल रहेगा ब्रेक एंड एक्सेलेटर वाला, एंड इसी के साथ जब अंदर बैठेंगे डोर को बंद कर लेते हैं सबसे पहले। ये इसका देखते हैं यहाँ पे डायल रहता है, अभी इसे न्यूट्रल पे है, तो आपको करना क्या है, जो नीचे ब्रेक पैडल देख रहे हैं ना, अभी देखिए यहाँ पे स्टार्ट नहीं है, इग्निशन हालांकि ऑन है। दो बार जैसे आप इसका ब्रेक पैडल प्रेस करेंगे तो देखिए रेडी लिख के आ गया यहाँ पे, मतलब आपकी गाड़ी हो गई स्टार्ट। तो आप सिंपल सा ब्रेक प्रेस करना है, इसको यहाँ पे ड्राइव पे डाल देना है, ड्राइव पे डालेंगे, ब्रेक से पैर हटाया आपने तो हैंड ब्रेक हटाया, देन इसके बाद भाई साहब लिया एक्सीलेटर, सीट बेल्ट भाई सबसे पहले लगाओ, सेफ्टी नंबर वन प्रायोरिटी। जैसे ही आप एक्सीलेटर लेते भाई साहब बूम, एसी वगैरह देख रहे हैं सन से पहुंच जा रही है, तो ये भाई साहब लाजवाब चलने में है। पावर आउटपुट की बात कर लें तो आपको इसमें 41 बीएचपी की पावर मिलती है, एंड भाई 110 एनएम का टॉर्क मिल जाएगा इस कार के साथ। तो पावर फिगर भी इस गाड़ी के हिसाब से भाई साहब सही सी है, आराम से चलती हमारी, 4 लोग यहाँ पे बैठ भी जाते हैं। तो चीजें तो चलिए हो गई, यहाँ पे टच स्क्रीन थी इसकी 10 इंचेस की, इसमें आपको वायरलेस यहाँ पे एंड्रॉइड ऑटो कार प्ले वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब वायर वायर आपको कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा। बाकी इसका इस तरह यहाँ पे पूरा रहता है डैशबोर्ड का व्यू। अब चलिए चलते हैं गलियों की तरफ भाई साहब, वहीं पे असली इसका सफर स्टार्ट होगा, नॉर्मल तो भाई साहब सभी चला के दिखाते हैं। तो यहाँ पे भाई साहब कहीं पे भी आप इसको देखेंगे आराम से निकल जा रही है, मतलब साइज जैसा इतना कॉम्पैक्ट इसका बनाया है ना, अगर आप सिटी ड्राइव के पर्पज से भाई साहब ईवी व्हीकल ले रहे हैं तो एकदम बेस्ट ऑप्शन आपको मिलने वाला है इस हमारी कॉमेट ईवी का। चाहे भाई एला ठेला कुछ भी रिक्शे वगैरह हो, बस देखना सटासट निकलती चली जाती है। टर्निंग रेडियस भी गाड़ी के हिसाब से आपको सही से मिली जा रहा है, बाकी चलाने का एक्सपीरियंस भाई साहब मेरा तो एक नंबर का रहता है। और पिकअप वगैरह भाई साहब हालांकि मिलता तो 41 बीएचपी की पावर एंड समथिंग वही आपको उसमें 110 न्यूटोमीटर का टॉक मिल जाता है इस कार के साथ, लेकिन पावर फिगर भी आपको यहाँ पे कम नहीं लगेगा इस कार का। अभी दिखाते हैं आपको, ये तो भाई देखिए भाई साहब मतलब मामूली बात है भाई साहब, वैगनार भी इंसान यहाँ घुसाने में डरता है, ऐसी जगहों पे सीवी का ये कमाल है भाई साहब। एंड आइस कैचिंग इतना है
तो जो बंदा निकलता है देखता जरूर पलट के कि भाई साहब ये कौन सा जा रहा है धमाका, जो भी हम देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने। सब बजट प्राइस के हिसाब से आपको मतलब ऑप्शन तो बढ़िया मिल रहा है, बस हाँ भाई कुछ लोगों को थोड़ा सा लगता है कि ओवर प्राइस है, क्योंकि भाई ये वाला जिसका टॉप मॉडल अभी हम लोग यहाँ पे चला रहे तो 9,98,000 एक्स रूम आपको पड़ता है, ऑन रोड 10.5 लाख के आसपास जाती है। बट हाँ अगर आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं एंड फीचर्स आपको चाहिए तो आपके लिए काफी फीचर्स ऑप्शन मिलने वाले हैं एमजी कॉमेट का। बाकी चलाने का देख रहे ना गलियों में भाई एकदम साए साए दौड़ रही है, जैसे हल्का सा एक्सीलेटर पे पैर धरते हैं ना आपको ऐसा कुछ फील ही नहीं होगा भाई साहब कि आप ये ईवी व्हीकल चला रहे हैं। ईवी में भाई साहब ये होता है ना जो इसका पिकअप वगैरह होता है ना, ये देखिए साए मतलब एकदम रॉकेट बना दो भाई साहब। ये तो अभी नॉर्मल मोड पे यहाँ पे लगी हुई देख पा रहे होंगे, नॉर्मल सॉरी इको मोड पे, अगर मैंने इसको स्पोर्ट्स पे स्विच किया तब तो भाई साहब और ही गजब की आपको पावर आउटपुट मिलने वाली है इस कार की। अब यहाँ पे आ चुके हम लोग और जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ओवर ब्रिज हम लोग यहाँ पे चढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि भाई साहब जहाँ पे मान लीजिए चढ़ाई आती तो गाड़ी हमारी दबती हो, मतलब तब भी अगर आप पंजा पे प्रेस करते ना नॉर्मल यहाँ पे देखेंगे अगर इको मोड पे तब भी आपको बढ़िया से पावर यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो अगर भाई बहुत लोग सोचते हैं कि भाई अगर मान लीजिए चढ़ाई वढ़ाई पड़ी एंड ईवी व्हीकल है तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम इशू आए पावर वगैरह ना अच्छा मिले, ऐसा कुछ मुझे तो भाई साहब इस ईवी के साथ यहाँ पे फील नहीं हो रहा है, चलने में एकदम भाई साहब लाजवाब है हमारी कार। तो आइए और आगे चलते हैं, बाकी गलियों में भी जब घुसाएंगे ना इसको, जैसे आपने छोटी सी क्लिप देखी होगी तो एकदम पतली पतली नहीं 8 फीट की गली में भी इसको आज घुसा के देखने वाले हम लोग कि भाई साहब कैसे निकलेगी गाड़ी पूरा यहाँ पर टर्न करके, कितनी पतली गलियों में भी जा सकती है, कितनी कैपेबल रहेगी हमारी कार, क्योंकि भाई साहब जिस तरह इसका बॉक्सी सा स्टाइल है छोटा सा उस तरह भाई साहब जो इंसान लेगा ना सिटी ड्राइव में चलेगा, मान लीजिए पार्किंग का इशू है तो ये गाड़ी परचेस करेगा। टॉप स्पीड भी मैंने आपको आई थिंक दिखा दी, चैनल पर डाल रखी है, अगर नहीं आपने देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। तो भाई साहब पूरा मजा आ रहा है, देख रहे हैं ग्रीनरी देखिए भाई साहब अगल बगल एकदम कैंट एरिया से हम लोग यहाँ पे निकल रहे हैं, तो एकदम भाई साहब अभी देखिए ना ये व्यू कितना सही सा लग रहा है ना पूरा आगे का। तो भाई साहब चल तो अभी देखिए भाई साहब कहाँ पे खड़ी है भाई 8 फीट की यहाँ पे गली है, इसमें देख रहे हैं ना एक बाइक भी बगल से निकलने में कितना कंजेस्टेड हो जाएगा, वहाँ पे आप इजीली इस गाड़ी को अपने ले जा सकते हैं, आप अपने घर में पार्क कर सकते हैं, ये सब इसके रहते हैं प्लस पॉइंट। एक ये हो गई हमारी गाड़ी, इसी के पीछे बढ़ेंगे तो दो दो गाड़ी भाई यहाँ पे हम लोग लेके आए थे, ये देखेंगे दूसरी ब्लैक वाली। तो आप आराम से ना कहीं भी पतली वतली गली हो किसी तरह की भी भाई साहब गली हो ना पार्किंग का कोई भी इशू नहीं होगा इस कार के साथ, आराम से अपने घर में इजीली आप इसको पार्क कर सकते हैं। तो अभी आपको दिखाते ड्राइव करके इन गलियों में भाई साहब कैसे टर्न हो जाएगी आराम से इजीली। तो अभी भाई हम लोग यहाँ पे निकल दिए घर के बाहर, हाईवे यहाँ पे अंदर आए थे गलियों में थोड़ा कि कैसा कुछ इसका रहेगा सिस्टम, भाई मोड़ने मोड़ने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो एकदम सक्रिय वगैरह गली देख रहे ना पूरा एल शेप में यहाँ पे टर्न है, जहाँ पे भाई साहब दूसरी अगर आप गाड़ी लाते ना हैचबैक भी तो आपको काफ़ी ज़्यादा ऊपर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, तो वहाँ तो भाई साहब ये आराम से हमारी निकल जाती है एमजी कॉमेट। ये सब इसके प्लस पॉइंट रहेंगे, पार्किंग की जगह कम है भाई गली वली में कहीं रहते हैं आपको गाड़ी का सपना भी पूरा करना है बाकी सिटी में चलाना तो काफ़ी प्लस आपको ऑप्शन पर मिल जाएगा इस कॉमेट का। तो आराम से लीजिए भाई, रेंज आपको बड़े से मिली जा रही है, प्राइस रेंज भी भाई साहब इसकी 8 ही लाख से शुरू हो जाती है 7.98 लाख से। बाकी अंदर का देखा फीचर्स तो भाई साहब आपको भरपूर मिलेंगे 55+ कार कनेक्टिंग फीचर्स, तो ये सब भाई साहब इसके काफ़ी सही से प्लस पॉइंट रहने वाले हैं। हालांकि कुछ लोग कहते हैं भाई बिल्ड क्वालिटी हाँ उसमें तो थोड़ा सा भाई मात खाती है, अदरवाइज तो परफेक्ट सी रहेगी ये हमारी कार, काफ़ी छोटे साइज़ की ना तो बस इसके ये सब यहाँ पे प्लस पॉइंट रहेंगे। अभी देखें यहाँ पे इसको टर्न करते फिर आते मेन रोड की तरफ, तो आ चुके भाई साहब अभी यहाँ पे अपनी मेन रोड पे, फिर अभी निकलते हैं आगे। तो ये आपने देखा पूरा हाईवे से लेके अंदर का, तो गाइस ये था इसका पूरा गलियों से लेके हर जगह का चलाने का एक्सपीरियंस, मुझे तो भाई साहब काफी सही से लगा, मतलब इस प्राइस पॉइंट को देखते हुए हालांकि थोड़ा सा ओवर प्राइस है लेकिन हाँ चलाने का एक्सपीरियंस तो भाई साहब लाजवाब है, जो आप बैठेंगे ना इस गाड़ी में तो भाई साहब काफी तगड़ा फील आने वाला है आपको एमजी कॉमेट के साथ। तो इस गाड़ी से लेकर अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे जिसका आपको डिटेल, तो आइए उसको पार्क करते हैं। तो जब भी आप गाड़ी के बाहर निकलेंगे ना तो ऑफ करने का तो कोई सिस्टम है नहीं क्योंकि वैसे टॉप मॉडल स्मार्ट की आती है, कोई इंजन स्टार्ट ऑफ बटन नहीं जहाँ से आप इसको ऑफ कर सकेंगे। तो सबसे पहले ब्रेक दबी हुई है, इसको लगाते हैं न्यूट्रल पे, न्यूट्रल पे आ गई, देन हैंड ब्रेक खींचते हैं, गाड़ी देखिए रेडी है मतलब स्टार्ट है, तो भाई साहब ऑफ नहीं हुई है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ऑन ही रहेगी, एक तो आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे जो नीचे ये आपको शॉर्टकट बटन दिया गया इसको प्रेस करेंगे तो सब कुछ इसका हो जाता है ऑफ, लेकिन इससे हम लोग नहीं यहाँ पे इसको ऑफ करने वाले हैं, हम लोग इसको ऑफ करेंगे दूसरे तरीके से। गाड़ी के बाहर आ गए, अभी देखेंगे सब ऑन है, सिंपल सा अभी भी ऑन है देख सकते हैं यहाँ पे, एक बार मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। जैसे ही आप इसको गाड़ी को लॉक करेंगे, अरे अनलॉक करा था भाई, जैसे आप इसको करते हैं लॉक हो जाएगी हमारी ऑफ, लॉक किया सब हो गया ऑफ। तो ये था भाई साहब एमजी कॉमेट का पूरा यहाँ पे चलाने का मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर किया।
तो आपको कैसे लगी ये हमारी एमजी कॉमेट मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो मैं सुनील फिर मिलूंगा आपको अगली किसी बेहतरीन से वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।